स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पाइल फाउंडेशन फुटिंग डिज़ाइन करने वाले हैं। पाइल फाउंडेशन फुटिंग डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पाइल फाउंडेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उसका फिगर देख लेते हैं। ये एक उसका जनरल फिगर है जो कि आपने बुक्स में भी देखा होगा आपके सिलेबस में। उसमें नीचे अंडरनीथ ऑफ दी सॉइल पाइल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके ऊपर पाइल कैप प्रोवाइड की जाती है। ये जो पाइल्स रहते हैं वो हार्ड स्ट्रेटा में रेस्ट होते हैं और उसके ऊपर सॉफ्ट स्ट्रेटा रहता है, जिसके कारण हम जनरल बाकी के जो फाउंडेशन डिज़ाइन के टाइप्स है तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सॉफ्ट स्ट्रेटा रहता है। तो ये तो हो गई उसकी फिगर। तो अभी मैं पहले सोच रहा था कि पाइल फाउंडेशन अपने सिलेबस में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक है। और बट बाद में फिर मैंने सोचा कि जितना मुझसे हो सके मैं यहाँ पे आपको देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैंने पाइल फाउंडेशन डिज़ाइन अपने सिलेबस में इंक्लूड किया। तो पाइल फाउंडेशन डिज़ाइन करना वैसे तो ऑपरेशनल लेवल पे बहुत ही आसान काम है एक्चुअली। सेप सॉफ्टवेयर में हम वो डिज़ाइन करते हैं और एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो बहुत ही आसान काम है डिज़ाइन करना। उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बट जजमेंटल लेवल पे और कंस्ट्रक्शन लेवल पे ये पाइल फाउंडेशन डिज़ाइनिंग का काम थोड़ा कठिन जाता है। उसमें थोड़ा सा साइट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है और थेरोटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो तो काफ़ी ज़रूरी है ही। तो क्योंकि ये एक डीप टॉपिक है, डीप सब्जेक्ट है ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और उसके लिए आपको कई सारे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऊपर के जो बुक्स है, रेफरेंस बुक्स, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर के बुक, तो वो रेफर करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ में IS कोड जो है पाइल फाउंडेशन के बारे में, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, समझ लेना पड़ता है। तो इस IS कोड की अगर बात करें तो IS 2911-2010, ये IS कोड उसके लिए बनाया गया है। इस IS कोड के जनरली चार पार्ट किए गए, उन्होंने चार पार्ट किए हैं। पहला पार्ट कंक्रीट पाइल्स के लिए है, दूसरा पार्ट टिम्बर पाइल्स के लिए है, तीसरा पार्ट जो है वो अंडर रिम पाइल्स के लिए है, और चौथा पार्ट जो है वो पाइल लोड टेस्ट के लिए है। टेस्ट उन्होंने कुछ दिए है उधर, तो उस टेस्ट के लिए चौथा पार्ट है। अगर बात करें हम पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में भी चार सेक्शन दिए गए उन्होंने। पहला सेक्शन ड्राइवन पाइल्स का है जो कि कास्ट इन सिटू हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा जो है वो बोर्ड पाइल्स के लिए है, वो भी कास्ट इन सिटू का है। और तीसरा और चौथा सेक्शन उन्हीं दो पाइल्स का है, बट उन्होंने प्रीकास्टिंग का प्रोसीजर उसमें बताया है। तो ऐसे चार पार्ट हमें पहले तो पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उसका नॉलेज आएगा। कुछ बुक्स रेफर करने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो अभी इस जनरल इन्फॉर्मेशन में हम ये जानेंगे कि पाइल फाउंडेशन कब कब यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है सॉइल की, तो पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। दूसरा, तो अगर सॉइल स्ट्रेटा बहुत ही सॉफ्ट है अप टू सम डेप्थ, तो उस जगह पे भी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तीसरा, तो जब सुपरस्ट्रक्चर का लोड बहुत ही हीवी होता है, काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग अगर होती है तो भी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। और चौथी बात, अगर ग्राउंड में
अनइवन सेटलमेंट के चांसेस है, या तो फिर अलोएबल सेटलमेंट ज़्यादा है, तब उस केस में फाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम कॉस्ट कंपैरिजन की, पाइल फाउंडेशन की कॉस्ट कंपैरिजन अलग टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के साथ में अगर की जाए, तो जनरली तो पाइल फाउंडेशन बहुत ही एक्सपेंसिव है बाकी सारे टाइप्स में से। दूसरी बात, अगर कोई हेवी कॉलम लोड आता है और उसके लिए अगर सॉइल वीक है, तो फिर राफ फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन का ऑप्शन हमारे आगे रहता है। बट राफ फाउंडेशन वैसे भी तो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, और राफ फाउंडेशन की अगर थिकनेस और एरिया अगर ज़्यादा है तो पाइल फाउंडेशन के लिए जाना उचित रहता है। इसका रीज़न ये है कि पाइल फाउंडेशन कॉस्ट के साथ साथ उस केस में सेटलमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। पाइल फाउंडेशन कॉस्ट को तो रिस्ट्रिक्ट करता ही है, बट सेटलमेंट जो है, क्योंकि देखो राफ फाउंडेशन में सेटलमेंट ज़्यादा होता है एज़ कंपेरेटिव टू पाइल फाउंडेशन, इसलिए फिर वो उस केस में पाइल फाउंडेशन चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगर 3 या 4 स्टोरी बिल्डिंग है और सॉइल मीडियम है, तो 2 या 3 मीटर तक अगर मिल रहा है सॉइल स्ट्रेटा, कैसा मिल रहा है, मीडियम मिल रहा है सॉइल स्ट्रेटा, तो उस केस में राफ फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं। बट अगर 4 मंजिल से ज़्यादा इमारत है और ग्राउंड के नीचे 10 मीटर तक हार्ड स्ट्रेटा मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में पाइल फाउंडेशन चूज करना बहुत ही इकोनॉमिकल फिर हो जाता है फिर। ठीक है, तो फिर अगर पाइल फाउंडेशन के लिए भी जाना है और इकोनॉमिकल डिजाइन भी करना है, तो उसके लिए दो चीजें, दो पैरामीटर कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। वो तो है पाइल कैप का एरिया, ये पाइल कैप है, ये पाइल कैप का जो एरिया है, वो पाइल कैप का एरिया अगर जितना कम हो सके उतना लिया जाए तो इकोनॉमिकल हो सकता है। और दूसरी बात, तो ये पाइल्स जो है, पाइल्स का ये जो डाया रहता है, तो पाइल्स का डाया अगर जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर डाया बढ़ाया तो फिर उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है ना। बट अभी देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो डाया बढ़ाना पड़ेगा। डाया बढ़ाया तो ये दोनों पाइल्स के बीच में का स्पेसिंग बढ़ेगा, क्योंकि डाया के ऊपर वो स्पेसिंग डिपेंड है। डाया बढ़ाया तो स्पेसिंग बढ़ता है, अगर स्पेसिंग बढ़ा तो पाइल कैप का एरिया भी बढ़ेगा, फिर वो कैसे क्या इकोनॉमिकल होगा, फिर वो तो नहीं होगा इकोनॉमिकल। फिर उस केस में हमें एक दूसरा ऑप्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताया गया है। वो ऑप्शन ये है कि ये पाइल्स की ये जो डेप्थ है, डेप्थ, वो डेप्थ बढ़ाई जाए। डाया बढ़ाने से अच्छा है उसकी डेप्थ बढ़ाई जाए। डेप्थ अगर बढ़ाई तो क्या होगा, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जैसे हम जैसे जैसे हम हार्ड स्ट्रेटा मिलते जाएगा, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्राउंड के नीचे, तो हमें वैसे वैसे हार्ड स्ट्रेटा मिलेगा। और अगर हार्ड स्ट्रेटा मिलता जाए तो ऑब्वियसली है, हमने पढ़ाई है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, या तो फिर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है कि अगर जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे अगर गए, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ती है, इसलिए फिर पाइल की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए फिर अगर डेप्थ ज़्यादा हो तो डाया उसका कम रख सकते हैं, और डाया कम रखा तो स्पेसिंग कम होगा दोनों में का पाइल का, और स्पेसिंग कम रहा तो पाइल का आपका एरिया भी कम होगा, इसलिए फिर वो इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं हम लोग। ये उसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि
नंबर ऑफ फाइल्स कम रखे और उसकी डेप्थ ज्यादा रखे, ना कि उसकी डेप्थ कम रख के नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ाए जाए, समझे आप? तो इस तरह से हम फाइल फाउंडेशन की इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने अभी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो फाइल फाउंडेशन का अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल फाउंडेशन के अरेंजमेंट, नंबर ऑफ फाइल्स अगर कितने रहे तो उसके अरेंजमेंट कैसे करने हैं, वो फाइल्स उसमें या तो सेफ में वो अरेंजमेंट ड्रॉ कैसे करने हैं, और अगर सेफ में अगर नहीं ड्रॉ कर सकते, थोड़ा सा हार्ड जा रहा है, तो फिर वो दूसरा ऑप्शन ये है कि उस ज्योमेट्री को ऑटोकैड में ड्रॉ करके फिर वो उधर से एक्सपोर्ट करके इधर इंपोर्ट करने का। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं उसमें, तो फिर वो हम देखेंगे अभी अगले आने वाले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स।